हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माय प्रोजेक्ट एचडी पर। जैसा कि हम हमारी सीरीज में लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर एक वेबसाइट बना रहे हैं पीएचपी एचटीएमएल और सीएसएस करके, तो हम इसे आज कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स, हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में ये पेज बनाया था जिसमें हमने ये टेक्स्ट फील्ड बनाई थी, देन इसके बाद ये कैटेगरी का सेक्शन बनाया था और उसके बाद ये हमने यहाँ पर एक इमेज के लिए ब्राउज का बटन बनाया था। इसके बाद हमें एक और बटन बनाना है, तो हम यहाँ हमारे टेक्स्ट सेटअप आते हैं। यहाँ पर मैं एक और टीआर के बाद में हम एक और टीआर लेंगे और इसके लिए टीडी, और यहाँ पर मैं दूंगा इनपुट टाइप सबमिट, क्योंकि ये बटन है हमारा सबमिट बटन, जिससे हम क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म डेटाबेस पर सबमिट होगा। इसका भी नाम दे देंगे हम सब, और इसकी हम वैल्यू रखेंगे सेव, इसे सेव कर देते हैं। और ये जो हमारा हमारी टेबल है इसे हम एक फॉर्म में कवर कर लेते हैं। इसका एक्शन करंट पेज पे होगा और इसकी जो मेथड होगी वो होगी पोस्ट, और इसके बाद हम इसे यहाँ पर आके क्लोज कर देते हैं और इसे सेव करते हैं। इसका आउटपुट देख लेते हैं हम, तो रिफ्रेश किया तो इसका यहाँ हमारे पास बटन आ चुका है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा डेटा सबमिट होगा। देन हम इसे हमारा पीएचपी कोड लिखेंगे, तो मैं पीएचपी के एंगुलर ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ। देन यहाँ लिखता हूँ पीएचपी और इस तरह से इसे क्लोज करते हैं, और हम यहाँ लिखते हैं इफ इस सेट, हमारा फंक्शन है डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, और यहाँ पर हमारे इस बटन का नाम लिखेंगे सब। देन इसके बाद यहाँ पर यह सब जो है हमारे इस बटन का नाम है, अगर इस बटन पर क्लिक हो तो हमारा ये कोड एग्जीक्यूट हो। और ये जो पोस्ट है हमने यहाँ ऊपर मेथड डिक्लेयर करी हमारे फॉर्म की जो मेथड है पोस्ट, ये हमने इस जगह पर लिखी है। तो अगर ये क्लिक हो तो यहाँ पर एको करो क्लिक सेमीकोलन, और सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए क्लिक शो हो रहा है। जैसे मैं पेज के इस पेज पे आता हूँ और जब यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए ये आ रहा है क्लिक्ड, मतलब क्लिक हो चुका है। और इसके बाद हम हमारी जो वैल्यू है इन्हें हम वेरिएबल में स्टोर करेंगे, तो मैं यहाँ कुछ वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे हमारा पहला वेरिएबल है नेम, इससे मैं कर लेता हूँ डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, और हमारे जो बुक नाम का जो हमने फील्ड बनी है उसका नाम है बी नेम, तो बी नेम का जो हमारी टेक्स्ट फील्ड है उसकी वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी। और इसे हम कॉपी कर लेते हैं, कुछ टाइम इसे पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद हमारा जो सेकेंड है वो है प्राइस, तो यहाँ प्राइस की वैल्यू आ जाएगी। और उसके बाद अगला है हमारा प्राइस, उसके बाद है हमारी कैटेगरीज, तो यहाँ पर कैटेगरी से वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ कैट। देन इसके बाद यहाँ से इसको हटाता हूँ और इनकी वैल्यू हम पहले डिस्प्ले करा लेते हैं कि जो हम वैल्यू दे रहे हैं वो हमें डिस्प्ले हो रही है कि नहीं, तो एक यहाँ पर भी एको और यहाँ पर भी एको करा देते हैं हम, उससे सेव करते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश किया। और जब हम हमारे इस पेज पर जाएंगे और यहाँ पर हम नाम डाल देते हैं, मैं सब जगह एस डाल देता हूँ, एस एक जगह सिलेक्ट ही है, देन क्लिक किया तो ये देखिए एस एस देन रोमांटिक शो हो रहा है, तो ये हमारा हो चुका है। देन हम थोड़ा सा करेक्शन करते हैं, तो जो हमारे ये वाला है इसमें स्टाइल ऑप्शन आ चुका है, तो मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ ऑप्शन, और इसके अंदर यहाँ कुछ इस लगाते हैं और यहाँ लिखता हूँ सिलेक्ट, तो इस तरह से थोड़ा लुक अच्छा आ जाएगा इसका। तो हम यहाँ रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश किया तो ये देखिए यहाँ पर चेंज नहीं हुआ, तो ये चेंज हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अभी के इस वीडियो में थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी नए वीडियो अपलोड करें उसकी रिसेंटली अपडेट आपको मिलते रहें। और फ्रेंड्स, इस चैनल के अलावा हमारा एक और चैनल है जिस पर हम प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते हैं, तो उस चैनल के लिए आप हमारी इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का नाम आपको आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर शो हो रहा है myprohd.dx.am, और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आप इस वेबसाइट पर कैसे जा सकते हैं। तो अपने वेब ब्राउजर के यूआरएल में लिखेंगे myprohd.dx.am
dx.am और एंटर करेंगे तो ये आपको हमारी वेबसाइट पर ले जाएगा। इस जगह पर आपको इस तरह की आपको वेबसाइट शो होगी। देन इस वेबसाइट में आप जाएंगे यहाँ कोर्स पर, तो ये पेज ओपन होगा। देन आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोर्स दिखेंगे, जैसे कि अभी तक तीन कोर्स है, जैसे सी प्रोग्रामिंग, देन HTML और jQuery। आप इसे ओपन करेंगे तो इस तरह से ओपन होगा। देन आप अगर किसी भी ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो आप जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर ले जाएगा, जहाँ से आप इसे देख पाएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मेरे और भी वीडियो शो हो रहे हैं यहाँ पर। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम आज से एक नया, तो इस तरह से आप जा सकते हैं। देन इसके अलावा जो हमारे इस चैनल पर प्रोजेक्ट्स जो अभी चल रहा है, जैसे हमारा लाइब्रेरी मैनेजमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, तो ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट प्रोजेक्ट की सीरीज है। यहाँ पर हमारे लाइब्रेरी मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है जो हम प्रोजेक्ट बनाते हैं। देन ये होटल मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो इसकी है, तो इस तरह से आपको मिल जाएंगे। तो ये इस वेबसाइट पे भी जरूर विजिट करें, तो आपको इस पर सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी।